नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद सीतापुर थाना महमूदाबाद क्षेत्र पैंतेपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत रन्नी में नवनिर्वाचित विधायिका आशा मौर्या ने अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर पहुंच बाबा साहेब व महावीर जयंती की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करते हुए जनता के बीच अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए उनकी समस्याएँ सुनी। महमूदाबाद सीतापुर से सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। की जयंती पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित हम सबके भाई आदरणीय संतोष जी, भाई महेंद्र शुक्ला जी उपस्थित यहाँ पर, विजय तोमर जी, रिंकू जी, संतोष जी, कुलदीप जी उपस्थित यहाँ पर, हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता अमीर जी और यहाँ के प्रधान, यहाँ के बीडी जी उपस्थित यहाँ पर, हमारे सभी जनता जनार्दन कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति बहने माताएं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी का वंदन करते हैं और अपने गुरु को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उपस्थित होने का अवसर मिला है। आप सबने, क्योंकि मैं विधायक बनी हूँ, आप सबके बीच में पहली बार आई हूँ, आप सबने बहुत ही आशीर्वाद देके अपना जो आशीर्वाद और सहयोग दिया, आज उसी का नतीजा है कि आपके बीच में ये बेटी, ये बहन कुछ करने के लिए इस योग्य बन पाई है। आप सबका मैं बहुत ही ज्यादा हार्दिक आभार करती हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने अपना आशीर्वाद देकर मुझे इस लायक बनाया। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आप लोग जैसा जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर, मैडम महावीर जयंती के शुभ अवसर पर आप हमारे ग्राम पंचायत रन्नी को क्या देकर जा रहे हैं? हमने तो अभी आपके सामने तमाम घोषणाएं, तमाम वादे जी नहीं, कैमरा के सामने मैम, स्पष्ट शब्दों में आप जो कुछ देकर जा रही हैं, आप हमारे ग्रामवासियों को जरूर स्पष्ट बताएं। हमारी सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे जनता को सभी लाभ देना चाहते हैं। हमारी सरकार दोनों हाथ से सुविधाएं दे रही और इन लोगों से मैंने अनुरोध किया कि आप लोग इसका लाभ लें। आप लोग जितने ऑनलाइन सिस्टम हैं यहाँ पे, जैसे लगा कि बहुत लोगों को मकान नहीं मिले हैं तो इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का कहा गया है। ये लोग अपना आधार कार्ड के साथ साथ पूरा सिस्टम ऑनलाइन भर देंगे, इनको हम लोग मकान देने का काम करेंगे, इनको शौचालय देने का काम करेंगे। हमारी सरकार दो बार राशन दे रही है, इनको राशन मिल रहा है समय समय पे, जो इनकी सुविधाएं होती हैं हमको जितनी ये लोग फोन द्वारा कहती हैं हम इनकी सुविधाओं को पहुंचाने के साथ साथ इनके बात को ध्यान से सुनते हैं। और रही बात यहाँ पे विकास कार्यों की, वो मैं विकास कार्यों का पहले वादा कर चुकी हूँ कि हर गांव को महमूदाबाद शहर से जोड़ने का काम करेंगे, वो मेरा काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप सबको काम प्रगति पे दिखना शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहेब ने जो एक अपना संविधान लिखा है, सबको एक साथ जोड़ने का काम किया है, ऊंच नीच भेदभाव हटाने का काम किया है। हमारी सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ और सबके विकास के साथ साथ हम लोग सारे समाज का विकास करने का प्रण कर रहे हैं। जी मैडम, धन्यवाद। जी, एक समस्या है।